हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज का वीडियो है डिफथोंग्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने लॉन्ग वॉल्स की बात की थी और उससे पहले हमने शॉर्ट वॉल्स किए थे, और मैंने आपको ये बताया था कि हम लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स, उनको हम मोनोफथोंग्स बोलते हैं। सो मोनोफथोंग्स बेसिकली अनकंपाउंडेड प्योर सिंगल वॉल साउंड्स को हम मोनोफथोंग्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिफथोंग्स हम किसे कहेंगे। डिफथोंग एक वो साउंड होती है जो कि हम दो वाउल्स को कंबाइन करके जब बोलते हैं तो एक जो नई साउंड बनती है उसको डिफथोंग कहते हैं। तो हम एक वाउल साउंड से शुरू करते हैं और दूसरी वाउल साउंड की तरफ बढ़ते हैं। मतलब डिफथोंग में बहुत इम्परसेप्टिबल होता है ये जो ग्लाइडिंग है, लेकिन हम एक वॉल साउंड से दूसरी वॉल साउंड की तरफ बढ़ते हैं और ऐसी जो नई साउंड बनती है उसको हम डिफथोंग कहते हैं। और क्योंकि ये दो वॉल साउंड्स को बनने से मिलने से बनता है, उनके उनको कंपाउंड करके बनता है, तो इसको हम इम्प्योर साउंड, इम्प्योर वॉल्स भी कहते हैं या ग्लाइडिंग वॉल्स भी कहते हैं, बिकॉज वी आर ग्लाइडिंग फ्रॉम वन वॉल साउंड टू द अदर। तो इसको हम या तो ग्लाइडिंग वॉल्स भी कहते हैं या इम्प्योर। इम्प्योर इसलिए क्योंकि प्योर वॉल साउंड नहीं है, इसमें दो वॉवल्स को मिलाकर एक नई साउंड बनी है, इसलिए हम इसे इनको इम्प्योर वॉल साउंड्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो डिफथोंग्स हैं वो उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। आठ तरह के डिफथोंग्स होते हैं, आठ सिंबल्स हैं जो हमें समझने हैं, और उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो सिंबल है वो ऐसे सिंबल हैं, ऐसी साउंड्स हैं जो कि आई वाली जो साउंड है, हमने जब मोनोफथोंग किया था तो हमने समझा था कि ये जो सिंबल है ये ई की साउंड के लिए होता है, तो इस साउंड की तरफ ग्लाइड करती हैं। तो वो कैसे होता है आइए देखते हैं। जो सबसे पहला डिफथोंग है वो ये साउंड है और इसको हम बोलते हैं ए, ए। सो ये जो ई है, जो ये जो सिंबल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंबल ए साउंड का है। ये हमने मोनोफथोंग करते समय देखा था, ए और ये ई। सो ए, सो दिस इज, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, एट, फेस। नाउ ये जो शब्द हैं इनको हम जनरली भारतीय उच्चारण के हिसाब से हम इनको अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो प्रोनंसिएशन जो ऑथेंटिक इंग्लिश प्रोनंसिएशन है उसके हिसाब से एकदम करेक्ट नहीं होता है। तो हम इसको हमारे इंडियन हिसाब से हम इसको बोलते हैं एट, बट दिस इज नॉट एट, एट इज ए टी ई। ये इस शब्द का प्रोनंसिएशन होता है, इस एट का प्रोनंसिएशन होता है एट। This word is pronounced as face. This word is pronounced as day. And this as break. So, ये जो ए का साउंड है ये ग्लाइड होकर जाता है और ये एक नया साउंड क्रिएट करता है, ए। ये पहला डिफथोंग है। अगला जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, ये जो साउंड है ये है ओ। सो ये जैसा कि मैंने अभी बताया, हम ये वाले सिंबल्स कर रहे हैं जो इस वाली साउंड की तरफ मूव करते हैं। सो जो सेकंड सिंबल है वो यही है ई, लेकिन फर्स्ट सिंबल ओ। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ऑयल, ऑई। हम जब इस शब्द को बोलते हैं तो हम एक वॉल साउंड ओ से शुरू करते हैं और ई की तरफ बढ़ते हैं। Oil, boy, boil, choice, noise, voice, ये सारे इस diphthong के examples हैं। और आपको ये confuse नहीं होना है कि ये spelling में भी दो vowels ही नजर आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप ये शब्द देख रहे हैं boy, इसमें एक ही vowel है लेकिन sound दो vowels की हैं, तो ये diphthong कहलाएगा। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी एक बार और कहना चाहूंगी कि हम फोनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम साउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम स्पेलिंग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हमें शब्द को कैसे उच्चारित करना है हम वो समझ रहे हैं। तो चाहे इसमें दो वॉल्स नहीं है लेकिन दो वॉल्स की साउंड है। सो यहाँ इसको हम जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे।
एंड इट वुड बी कॉल्ड बॉय। जो तीसरा डिफ्थोंग का सिंबल है वो ये है, और इसका जो साउंड है वो आई आई। सो पहला जो वाउल है वो है आ, और दूसरा जो वाउल है, जो वाउल साउंड है वो है ई। सो ये है आई। तो पहला एग्जांपल आइस, आ ई। हम जब बोल रहे हैं इस तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आइस आ ई। माय, प्राइस, हाय। सो इन सारी साउंड्स में आ और ई की साउंड्स कंपाउंड होके एक नया साउंड बन रहा है, आय। सो ये तीन डिफ्थोंग्स जो हैं ये आई वाली साउंड की तरफ ग्लाइड कर रहे हैं। इनका फर्स्ट साउंड कुछ और है लेकिन सेकंड साउंड जो है वो ई का है। जो नेक्स्ट सेट ऑफ डिफ्थोंग्स है उसमें हम यू की साउंड की तरफ ग्लाइड कर रहे हैं, और वो कैसे हो रहा है, इसमें दो डिफ्थोंग्स हैं, दो सिंबल्स मिलेंगे हमें, आउ आउ, आउल, शाउट, हाउ। सो आ और ऊ की साउंड को जब हम मिला रहे हैं उससे जो नया साउंड बन रहा है उसको हम इस सिंबल के द्वारा बताते हैं। और अगेन स्पेलिंग में दो वाउल्स होना जरूरी नहीं है, वो साउंड में है, आउल, हाउ, इनमें दो वाउल्स नहीं है लेकिन साउंड में है, सो उसको हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। अगला जो डिफ्थोंग है वो इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं हम, और ये जो साउंड है वो है औ। ये था आउ, ये है औ। सो जोक, स्लो, गोट, नो। अगेन मैं यही दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये इंग्लिश साउंड्स हैं। हम जिस तरह से हिंदी में, हिंदी मतलब इंडियन इंग्लिश में इनको बोलते हैं, आपको उस हिसाब से इनको नहीं बोलना है। इनका एक्चुअल प्रोनंसिएशन जो है वो इसी तरह से है जैसे आप अभी देख रहे हैं। सो दिस इज जोक, दिस इज स्लो, औ, गोट, नो। नो नहीं होता है, नो। जो प्रॉपर प्रोनंसिएशन है वो है नो। तो ये दोनों साउंड्स यू ऊ की साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं। अगला जो सेट ऑफ डिफ्थोंग्स है उसमें जो साउंड्स हैं वो ए की साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं। तो जो पहला जो सिंबल है वो है ये, और इसमें ई है, ये जो साउंड है ई है। ईयर, बेड, क्लियर, नियर, पियर, शियर। सो ईयर, ई और अ। नेक्स्ट सिंबल है उअ, उ अ। सो पुअर, क्यूर्ड, ज्यूरी। सो इसमें जो साउंड है उ से अ की तरफ ग्लाइड करता है। जो थर्ड सिंबल है वो ये है, जो इस कैटेगरी में जो साउंड्स अ की तरफ ग्लाइड कर रहे हैं वो ये है, और इसके ये जो साउंड है ये है एयर, ए अ। ये हमने मोनोफोन्स में देखे हैं दोनों सिंबल्स, ये ए का सिंबल है, ये अ का। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे एयर, एयर, शेयर, केयर, फेयर, और इसी तरह के और बहुत सारे शब्द। सो आई होप ये साउंड्स आपको समझ में आई हैं। इनको आप डिक्शनरी खोलकर आप वर्ड्स, कोई भी रैंडमली वर्ड्स देखेंगे और उनके सिंबल्स को देखेंगे और उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोनंसिएशन में बहुत हेल्प मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।